सो गाइस वेलकम बैक। इंट्रो इंट्रो आज छोड़ो, आज इंट्रो की बात ही नहीं करेंगे ना इंट्रो लगाना है, क्योंकि भाई देखो बात करेंगे किसकी, मोहम्मद अमलदी। एक तो भाई नाम ऐसा रख दिया कि भाई नाम लेते ही नींद आ जाए। मोहम्मद भाई को पावर दिख गई किसकी, फैंस की पावर दिख गई। और अब आगे की बात बताने से पहले सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, मोहम्मद नागामल लतीफ को पड़ गई लात। मोहम्मद नागामल लतीफ को पड़ गई लात कि अब वो बोला नहीं करूंगा बचकानी बात। सो गाइस वही हुआ जो होता है, जब किसी की इज्जत की नीलामी होती है तो वो इंसान सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी पार्टी अपनी कंपनी से रिजाइन दे देता है, ताकि जो उसकी इज्जत की नीलामी हुई है उसका जो इम्पैक्ट उसकी कंपनी के ऊपर आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ रहा है या पार्टी के ऊपर आ रहा है, वो आना बंद हो जाए और साथ में वो एक आइसोलेशन पे चले जाए, जिससे कि वो मीडिया से कट डाउन हो जाए और उसकी भी इज्जत बची रहे। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया था, रोस्टिंग वीडियोस में, कि भाई ये अपने ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट और अपने नाम को प्रमोट करने में लगा हुआ है, क्योंकि बचपन से इसका सपना था हीरो बनने का, मगर बड़ा तो हो गया शरीर से भी और उम्र से भी, मगर आखिर आप खुद ही पता, पुरानी वीडियोस देख लेना नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मजा आएगा वीडियो देख के। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार जो मैंने बात बोली इसमें दम है कि नहीं है, तो पहले देखो ये वाली वीडियो, अर्शी खान और एक और टिकटॉक स्टार पांडे या पता नहीं क्या नाम है। That they're doing, they've been doing an amazing job from last 5 years, and the last year it was run by Vinny Sethi, Karan Kundra, Vikas Gupta, such talented people, and I just feel we should respect the jury and their decision and the amount of hard work they're putting in to create such an amazing platform for appreciation for all of us. And I just want to say that I support the fact that the appreciation is coming, and at this time when there is so much of negativity and so much of despair around, I think we should try not to create more negativity. Take care. Guys, iconic award वालों ने ये वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल रखी है, तो ये कौन सी नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। अब इसी से आइडिया लगा लो कि जो फैंस का रिएक्शन निकल के आया जब मोटे ने ये बोला कि भाई कर दो अनफॉलो, और तकरीबन 15,000 लोगों ने अनफॉलो मार दिया एक ही रात के अंदर। अब वो अनफॉलो को मारना, जो एक रिएक्शन निकला फैंस को, उसको ये नेगेटिविटी बता रहे हैं। अच्छी बात है। अब अच्छी बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो लोग पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव होना मंजूर है। और जो मैं पॉइंट आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया इज्जत की नीलामी हो चुकी है तो बेटर यही है कि अपने पद से इस्तीफा दे दो, और वही किया इन लोगों ने। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखने के बाद तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि भाई जोए तेरी बात में दम है, मतलब तू तू चाहे चांदनी चौक वाला चश्मा पहन ले मगर तेरी बात में दम है। देखो मैं 2 साल से एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीत रही थी इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड में, और यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होती हैं, और मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि यहाँ पर कुछ भी फेक हो। एंड यहाँ के जो फाउंडर है मोहम्मद नागामल लतीफ, एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग पर्सन। सो भाई पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिल कह रहा मेरा कि मोहम्मद भाई ने अपनी वीडियोज देख लिया, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज के अंदर ये प्रूफ के साथ बताया था कि यार देखो जो सेलिब्रिटीज जिनको ये बुलाते हैं अवार्ड देने के लिए, या जो टिकटॉक स्टार्स को बुलाते हैं अवार्ड देने के लिए, वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं, और वो स्क्रिप्ट खुद आइकॉनिक वाले उनको देते हैं और वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हैं। और उन्हीं में से मैंने कुछ सेलिब्रिटीज का दिखाया था जो पढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की अगर वीडियो देख ले, दोनों यूट्यूब चैनल के ऊपर है बट स्क्रिप्टेड नहीं है ये, बट इनको मैसेज दिया गया कि आपने इस मैसेज के ऊपर बात करनी है। तो पांडे को देख लिया, वो नेगेटिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ना फैलाए। अर्शी भाई बात करी कि जेन्युइन अवार्ड है कि नहीं है, तो उन्होंने वो चीज बोला। तो इसी से आपको आइडिया लगा लेना चाहिए, जब आइकॉनिक वर्ल्ड वाले अपने ये मैसेजेस प्रमोट कर रहे हैं तो उसी से आइडिया लगा लो कि उनको ये चीज का एहसास हो चुका है कि हमारी इज्जत की नीलामी हो चुकी है। जो हम इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक अपना वो एटीट्यूड दिखाते थे कि कर दो अनफॉलो, वो उन पर ही भारी पड़ गया है। मोहम्मद नागामल लतीफ अपने नाम को ब्रांड बनाने चला था, तो अभी वो ब्रांड नहीं हो गया, वो साउथ अफ्रीका की करेंसी हो गया। अब जाके देख लेना, सर्च करके देख लेना क्या है साउथ अफ्रीका की करेंसी। सो गाइस थैंक यू सो मच यार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही, और भाई के लोग प्यारा भरा कमेंट भी छोड़ दो, आपके कमेंट्स पढ़ के मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो अभी सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।